अरे अरे बेटा मैंने क्या किया? क्या किया? जबरदस्ती मुझे अपनी गोद में बिठाया, पूछ रहे क्या किया? अरे अंकल ये कैसी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हो बस में बैठकर? सच में बेटा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहे हो? कितनी देर से देख रही थी, कितने अजीब तरीके से मुझे घूर घूर के देख रहे थे, मैंने तब तो इग्नोर कर दिया और जैसे मौका मिला फायदा उठाने की कोशिश की, कमर से पकड़ के अपनी गोद में बिठा लिया तुमने। शर्म नहीं आती आपको ये सब हरकतें करते हुए? शर्म आनी चाहिए आपको, ये लड़की आपकी बेटी की उम्र की है। सीरियसली अब तो मुझे बसेस में बैठने से भी डर लग रहा है। वही तो, आजकल लड़कों से नहीं बल्कि बुड्ढों के बगल में खड़े होने से डर लगने लग गया मुझे। अरे देखो बेटा, अरे मैंने तुम्हें अपनी गोद में नहीं बिठाया, मैं कसम खा के बोलता हूँ। अरे ओ अंकल अपनी झूठी कसम ना अपने पास रखिए, वो लड़की पागल है क्या जो किसी भी आदमी की गोद में आके ऐसे बैठ जाएगी? हो सकता है अरे बस वाले ने ब्रेक लगा दी हो, या फिर ये कहीं गिर ना जाए बस की ब्रेक से, इसलिए मेरी गोद में बैठ गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने जबरदस्ती मुझे कमर से पकड़ा और अपनी गोद में बिठाया। बेटा मेरा ना रोज इस बस में आना जाना है, मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। सुन बुट्ठे, तेरी गोद में मैं खुद चांद पूछ के आके बैठी थी, तूने तो बिठाया था, ये बात मुझे अच्छे से पता है, लेकिन ये बात ना बस में किसी और को नहीं पता, तो तू देख ले कि तू क्या करना चाहता है। अरे इन अंकल को पुलिस के हवाले करो, तब इस बुड्ढे की अकल ठिकाने आएगी। अरे नहीं नहीं, मैंने इस लड़की से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, बस अब पुलिस को कॉल मत करना। अंकल माफी मांगने से आपकी नीयत तो नहीं ना ठीक हो जाएगी? भैया आप अभी के अभी पुलिस को कॉल कीजिए। देखो बेटा मैं ना तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, बस इनको बोलो कि पुलिस को कॉल मत करे। अब सुनिए, पुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं है। हाँ प्लीज, और तुम ना मेरे साथ बाहर आ जाओ, मैं वहीं तुमसे माफी मांग लूंगा। क्यों बाहर क्यों? तूने गलती बस में करी है ना, तो हमारे सामने यहीं पे खड़ा होकर माफी मांग। मैंने से कोई बात नहीं, अंकल को बाहर अकेले में माफी मांगनी है तो अकेले में सही, सबके सामने माफी मांगने में शर्म आ रही होगी ना इन्हें। आइए अंकल बाहर बात करते हैं अकेले। बस आप मुझे 2 मिनट दीजिए बस। चल बुड्ढे चल बुड्ढे। तू मुझे क्यों कर रही हो बेटा? क्योंकि मुझे ये सब करने में ना बहुत मजा आता है, अब टाइम मत वेस्ट कर, पैसे निकल जल्दी। अगर मैं पैसे ना दूं तो? ना दूं तो जब बस में लोग हैं ना सबको इकट्ठा करके बाहर बुला लूंगी और तुझे ऐसा पिटवाऊंगी ना जिंदगी भर चलने के लायक भी नहीं बचेगा, और तेरी जिंदगी के जब बचे कुछ 10-15 साल है ना वो सारे जेल में चक्की पीसने में निकल जाएंगे, समझा? बेटा अपनी जिंदगी के 10-15 साल तो मैं अच्छे से जीऊंगा, अब तुम सोचो कि तुम अपनी लाइफ के 6 साल कहाँ बचाना चाहोगी, ये तुम डिसाइड करो। क्या बकवास किए जा रहे तुम? बेटा जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, शायद तुम्हें ये नहीं पता कि बस के अंदर ना CCTV कैमरा लगा हुआ है, और जो तूने अंदर मेरे साथ नीच हरकत की है ना वो सब रिकॉर्ड हो चुकी है। क्या? अब अगर मैं चाहता ना तो वो वीडियो सबको दिखा सकता था और तुम्हारा पर्दाफाश कर सकता था, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुम एक लड़की हो, और मैं नहीं चाहता तुम्हारा सच इन सबके सामने आए। अगर तुम्हारा सच इनके सामने आ गया तो इनका तो लड़कियों पे विश्वास उठ जाएगा, अगर सच में भी किसी लड़की को मदद की जरूरत होगी ना तो ये उसकी भी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि इनको तो लगेगा कि ये लड़की भी झूठ बोल रही है। बेटा मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम इनको अंदर जाके सच्चाई बता दो, पर तुमसे ये जरूर कहूँगा कि इनसे झूठ भी मत बोलो। अब सॉरी, वो एक्चुअली गलती मेरी थी, जब स्पीड ब्रेकर आया तो मैं खुद ही गलती से अंकल की गोद में जा बैठी, अंकल की कोई गलती नहीं है इसमें, मुझे गलत फहमी हो गई थी। अंकल प्लीज मुझे माफ करना, और आप सब भी प्लीज मुझे माफ कर देना, आई एम सॉरी। दोस्तों आजकल कुछ लड़कियां ना फेमिनिज्म का फायदा उठाकर लोगों को लूटने के नए नए तरीके ढूंढती हैं, लेकिन कई बार उनकी गलती उन्हीं पर भारी पड़ जाती है। इससे अच्छा है कि अपना जीवन ना ईमानदारी से व्यतीत करें और लोगों को भी अच्छे से जीने दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और कमेंट करना मत भूलें, और हाँ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।